आप सभी दर्शकों का स्वागत है इस नई वीडियो पर जहां पर हम सीखते भी हैं और पैसा भी कमाते हैं आइए चलकर जाने एच इंट्राडे लेवल्स सितंबर 14 के लिए क्या आपको यहां इंटरडेप करना चाहिए इतने सिग्निफिकेंट गिरने के बाद में क्या आपको बाई लग रहा है आइए चलकर पूरा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या टेक्निकल चार्ट्स क्या कह रहे हैं आपको और किस लेवल पर आपको बाय करना है और क्या आपका टारगेट प्राइस रहेगा दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज प्लीज हैव हैव योर ओन रिसर्च एंड एनालिसिस डन वी मे मेड सम मिस्टेक्स यू कैन

जी हाँ हमारे हिसाब से एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है क्योंकि टेक्निकल लेवल पर एक सपोर्ट रीजन ज्वाइन कर रहा है का जरूर देखे। यहां से अगर हम देखें इसके 15 मिनट का चार्ट तो मॉर्निंग से ही प्रेशर बना हुआ था स्टॉक पर नीचे आया छोटा सा कोशिश की फिर नीचे गिरा और फिर ऊपर बाद में जाते जाते थोड़ा सा इसने वॉल्यूम के साथ ऊपर दिखाया ये एक रीजन है जो नीचे लेवल पर यहाँ पर 1070 के आसपास के लेवल पर अच्छी बाइंग सपोर्ट लग रही है और यहां से ये यह ऊपर जाने की कोशिश करेगा कंडीशनल बाय बताएंगे मंडे के चार्ट के लिए आइए एनालिसिस करते हैं इसका सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करें तो फ्राइडे को निफ्टी का कारोबार बहुत ढीला था महज 50 पॉइंट के अंदर सारा दिन कारोबार हो गया था तो ना बुल्स को फायदा मिल पाया होगा ना बियर्स को फायदा मिल पाया होगा हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर

का का सुपर ट्रेंड ट्रेंड, इवन से नीचे पर लेवल दिखाया है वो एक अच्छा मूव माना जा सकता है अगर यही चीज आप इंटरडे पर भी देखें इस ट्रेंड को तो आपको पता लगेगा कि कल का दिन मॉर्निंग में तो डेफिनेटली सेल सिग्नल था नो डाउट अबाउट इट कल मॉर्निंग से ही इसने सेल सिग्नल दिया हुआ था पर दोपहर के बाद इसने जो सिग्निफिकेंट मूवमेंट डाउनवर्ड है वो बंद कर दिया था तो करीब करीब डेढ़ घंटे तक ये फ्लैट रहा तो जो एक साइन है कि हाँ हो सकता है गैप खत्म हो जाए और ये मंडे को अच्छा डायरेक्शन दे प्रोवाइडेड मार्केट इज इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन अब एक और स्टडी देखते हैं क्योंकि इंटरडे में आपको आर को जरूर देखना होता है पोजिशनल बेसिस के बेसिस पर तो उसे आपको पता लगेगा कि आर क्या कह रही है अभी इसके बारे में तो देखिए आर नीचे जा रहा था और आर एस यहाँ पर 44 के आसपास आ गया है पहली बार भी जब 44 पे आया था तो उसने अच्छा सपोर्ट लिया था हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करे मंडे के दिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमने एक एजुकेशन वीडियो की प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसको आप चाहे जैसे मर्जी देख सकते हैं पर एक वीडियो जरूर देखिएगा मिस्टेक्स मिस्टेक्स टू अवॉइड इन मार्केट इसको हमने काफी और स्पेशली में जो होती है, उसकी एक समरी करके बनाई हुई है जो आपको आई थिंक कहीं पे हेल्प करेगी आगे टाइम के लिए तो अगर आगे देखें इसका कि हम क्यों कह रहे हैं कि अभी भी पॉजिटिव बायस है टेक्निकल technical? टेक्निकली ये अभी भी पॉजिटिव बायस है क्योंकि तीन पैरामीटर के बेसिस पर ये ऑलरेडी

1084 पर इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 1065 हम लोग इंट्राडे में निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं और अब अगर टारगेट की बात की जाए तो टारगेट है बताते हैं कैसे तो देखिए जब कल की ये चार्ट बना है तो जो इसको एक्सपेंड कर देते हैं और आर्ली चार्ट के दिखाते हैं आपको इसको तो आपको समझ में आएगा ये टारगेट कैसे बता रहे हैं वन टारगेट तो इसको अगर आर्ली चार्ट पे देखेंगे आप तो पिछले दो दिनों से इसने सिग्निफिकेंटली यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाया, तो यहाँ पर जाने की कोशिश जरूर करेगा हमारे हिसाब से 1095 के आसपास इसलिए हमने टारगेट बताया हुआ है यहाँ पे कंजेशन जोन टाइप से लग रहा है तो यहाँ पर आके हो सकता है कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो आप अगर लॉन्ग जाना चाह रहे हैं तो अपना स्टॉप लॉस और प्रॉफिट को टारगेट को मेंटेन रखिए ताकि आपका प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे और आपका पैसा भी सेफ रहे दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं आशा करता हूँ आप सीख रहे हैं जय हिंद जय जह भारत